वेलकम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं दी थर्ड न्यूमेरिकल फ्रॉम दी एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 × 10⁶ जूल्स पर किलोग्राम. कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू चेंज 5 grams ऑफ वाटर इंटू स्टीम एट 100 degrees Celsius. अब ये सेम क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग हमारा डायग्राम. सो हमारे पास एक मास है वाटर का, 5 grams ऑफ वाटर है एंड वो लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, सो ऐसे कुछ है, हमारा लिक्विड स्टेट में वाटर है एंड देन हमारा टास्क है टू कन्वर्ट दिस वाटर इनटू स्टीम. ठीक है, जो कि वाटर का गैशियस स्टेट होता है. नाउ दिस कन्वर्जन फ्री में तो होता नहीं है, सो दिस कन्वर्जन रिक्वायर्स अ कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, नाउ जनरली व्हेन वी कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, लिक्विड टू स्टीम जब कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह के हीट्स लगते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर टिल 100 degrees Celsius, तो H100. एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ हीट, जो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट. नाउ क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो 100 degrees Celsius पे है, सो वाटर का टेम्परेचर रेज करने की कोई जरूरत नहीं है. सो द ओनली फॉर्म ऑफ हीट इस कन्वर्जन में जो लगेगा, दैट मस्ट बी द हीट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट चेंज. तो हमें बस ये कैलकुलेट करना है एंड देन वी गेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम लिक्विड टू स्टीम एट 100 degrees Celsius. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए ये टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है. सो नाउ यू नो कि ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, सो लेट्स क्विकली फाइंड आवर सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल द डेटा दैट्स बीन गिवन टू अस. फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ डेटा जो हमें दिया है, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर. ठीक है, इंपॉर्टेंट एंटिटी. सो जिसका वैल्यू है 2.26 × 10⁶ जूल्स पर किलोग्राम, दैट इज द यूनिट्स फॉर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नाउ सेकेंड क्वांटिटी जो दिया है, दैट इज द मास ऑफ आवर वाटर. सो मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा एम से एंड दैट मास इज सेड टू बी 5 grams. तो 5 grams हमने लिख दिया. अब एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा लेटेंट हीट जो है वो SI यूनिट में है और हमारा जो मास है वो ग्राम्स में है, विच इज नॉट एन SI यूनिट. सो लेट्स कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू इट्स SI यूनिट. सो ग्राम का SI यूनिट होता है किलोग्राम. सो 1 gram इज 10⁻³ kilograms. सो 5 grams मस्ट बी 5 × 10⁻³ kilograms. ठीक है, ये था हमारा मास ऑफ वाटर. यहाँ पे क्वेश्चन में टेम्परेचर तो दिया है, बट वी वोंट बी यूजिंग दिस टेम्परेचर फॉर आर सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन के लिए बस दो ही क्वांटिटी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और मास. एंड इसी के बलबूते पे व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू फाइंड, वेल वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एनर्जी नीडेड फॉर द स्टेट चेंज. तो लेट मी राइट दैट क्विकली ऑल्सो इन आर टू फाइंड सेक्शन. वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द हीट एनर्जी नीडेड फॉर स्टेट चेंज ऑफ वाटर. एंड ये स्टेट चेंज कैसा है, दैट इज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. ठीक है, सो लिक्विड टू गैस और लिक्विड टू वेपर, डजंट मैटर. नाउ हीट रिक्वायर्ड जो का जो फॉर्मूला है फॉर वेपराइजेशन, हीट रिक्वायर्ड बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है. अगर आप लिक्विड से गैशियस में जा रहे हो, सो उस प्रोसेस में लगने वाला हीट इज सेड टू बी मास ऑफ द लिक्विड, कितना मास लिक्विड का कन्वर्ट हो रहा है, टाइम्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर दैट लिक्विड. सो एम इंटू एल वी. सो अगर इस केस में मुझे हीट जानना होगा, सो मुझे वाटर का मास और वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई करना होगा. एंड इतनी अच्छी बात है कि वी ऑलरेडी नो बोथ द वैल्यूज, वी नो द मास एंड वी नो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो सिंपल सब्स्टिट्यूशन विल फेच द वैल्यू फॉर द हीट रिक्वायर्ड, विच इज आवर फाइनल आंसर. सो बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है. सो हम लिख देंगे कि हीट रिक्वायर्ड, लेट्स कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड यूजिंग फॉर्मूला नंबर 1. So using formula 1, so that heat is said to be, let me represent it as H, and this will be mass of water in this case, that's 5 × 10⁻³ kilograms, and latent heat of vaporization, that is 2.26 × 10⁶, that is for water. So इनको multiply करना है and then हमें मिल जाएगा. So 10 minus 10⁻³ × 10⁶ gives us 10⁻³.
एंड 5 इंटू 2.26 विल गिव अस 11.3. सो इसको हम इजी सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1.13 इंटू 10^4 हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट इज द हीट रिक्वायर्स. एंड इस हीट का यूनिट विल बी जूल्स बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन SI यूनिट. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वॉटर इंटू स्टीम, कन्वर्जन ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ वॉटर इंटू स्टीम. That's our final answer. If you want the solution or PDF of this solution, make sure to check out the description. Have a nice day.